वालेकुम सलाम। अली जावेद साहब जो है उनको उन्होंने मुझे वेलकम किया। अली जावेद साहब आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे कि आप डेनमार्क कैसे आए, कब आए और आपने कैसा पाया? जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने मेरा बता तो दिया कि मेरा नाम अली जावेद है और मैं बेसिकली लाहौर पाकिस्तान से हूँ और डेनमार्क में मैं 2011 में यहाँ पे तशरीफ़ लाया और ग्रीन कार्ड एक स्कीम डेनमार्क ने शुरू की थी 2007 में, 6-7 के आखिर में, और उसमें ये था कि डेनमार्क को यहाँ पे स्किल जो वर्कर्स हैं उनकी कमी थी या उनको वो लोग चाहिए था, तो उन्होंने एक स्कीम निकाली ग्रीन कार्ड की। तो उस सिलसिले में फिर मैंने वहाँ पाकिस्तान से ही अपने चंद दोस्तों के साथ अप्लाई किया, तो 2011 में फिर मैं जून 2011 में मैं डेनमार्क में आया और तब से लेके अभी तक आपके सामने हैं, काम कर रहे हैं और बस जो है वो दिन रात इसी ग्रीन कार्ड की क्या थ्योरी है लोगों को ताकि पता चले ग्रीन कार्ड होता क्या? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं क्योंकि मैंने अभी ग्रीन कार्ड के हवाले से आपसे ज़िक्र भी किया, तो तकरीबन ये 2006-07 की बात है जब डेनमार्क ने यहाँ पे आप कह लें कि स्किल्ड वर्कर की एक इनको कमी महसूस हुई क्योंकि ये दुनिया के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्योंकि इनकी अपनी वो उस तरह इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, फिर लोगों का शायद इतना ज़्यादा रुझान नहीं था कह लें कि हायर एजुकेशन की तरफ या उससे फिर मार्केट में आना, तो इनको बदलती दुनिया के साथ इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी। फिर उन्होंने एक स्कीम निकाली जिस तरह आप कह लें कि अमेरिका के अंदर H1 थी और इंग्लैंड के अंदर आप HSNP और इसी तरह पूरी दुनिया में और भी, तो यहाँ पे भी इन्होंने ग्रीन कार्ड के हवाले से ग्रीन कार्ड के नाम से एक स्कीम निकाली। दो के उसमें कुछ फेलियर्स थे कि बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी इंडस्ट्री को इन्होंने नहीं बताया हुआ था, तो ग्रीन कार्ड ये था कि आप 16 या 18 ईयर्स की आपके पास एजुकेशन हो, फिर आपके पास कुछ उसका आपकी एजुकेशन से रिलेटेड रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी हो, तो ये लोग आपको एक वर्क वीज़ा देते थे। यानी आपकी बात काट रहा हूँ कि ये ग्रीन कार्ड मीनिंग एक वर्क वीज़ा? जी, एक प्रोफेशनल वर्क वीज़ा। यानी वो एक पेपर दे देते हैं कि अलाउड है। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जी, कि आपने अपनी जो भी आपने डिग्री की हुई है जिस भी रेलेवेंट फील्ड में, फॉर एग्जांपल मैं आईटी से हूँ तो मुझे आईटी के हवाले से मुझे अपनी एजुकेशन के मेरी 18 इयर्स की या यहाँ की मिनिमम 16 इयर्स की एजुकेशन हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर मेरे पास कोई अपना वर्क एक्सपीरियंस भी था और फिर लैंग्वेज कुछ पॉइंट्स थे कि आपने शायद 100 के करीब कुछ पॉइंट होते थे तो फिर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता था। तो आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करते थे, आपको फिर ये वर्क वीज़ा दे देते थे, आप यहाँ पे डेनमार्क में आके किसी भी कह लें कि आपको काम की कोई कदगन नहीं होगी कि आप कोई भी काम ढूंढे, बेसिक तो आपका अपना काम होना चाहिए जिसमें आप आए थे। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं यहाँ पे ग्रीन कार्ड पे बल्कि आना था तो जिस तरह पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों को पता होता है कि यार यूरोप या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या कैनेडा या इंग्लैंड, तो मुझे भी कह लें कि डेनमार्क बहुत ज़्यादा सुना नहीं हुआ था, शायद लोगों को ताज्जुब हो इस हवाले से, ज़रूर सुना था कि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो कुछ खाके बनाए जो उन्होंने उस हवाले से थोड़ा सा पाकिस्तान में 2004-05 में आपको पता है कि यहाँ पे बनाए थे, पाकिस्तान में काफ़ी इसके हंगामे भी हुए पूरे वर्ल्ड में तकरीबन। हाँ जी, तो डेनमार्क का यानी कि इससे ज़्यादा मुझे तारुफ नहीं था, आप यकीन मानिए। तो जब पता चला कि एक स्कीम है तो मैं ज़ाती तौर पे डेनमार्क आने के हवाले से इंटरेस्टेड नहीं था, पता भी नहीं था, क्योंकि डेनमार्क आने से पहले मेरे पास अमेरिका का जो है वो H1 वीज़ा था, एक जॉब थी, H1 वीज़ा भी एक वर्क वीज़ा होता है, तो कुछ दोस्त आए तो उन्होंने इस तरह कहा कि एक नई स्कीम आई है डेनमार्क ने निकाली है तो चलो अप्लाई करते हैं, तो हालांकि दिल नहीं था मगर वो कहते हैं ना लाहौरिये जो हैं वो यारों के यार होते हैं, तो बस दोस्तों के चक्कर में अप्लाई कर दिया, मजाक में अप्लाई कर दिया, तो वो हुआ क्या कि जिन दोस्तों ने मेरे साथ अप्लाई किया उनका नहीं लगा मेरा ग्रीन कार्ड जो है ना वो अप्रूव हो गया। एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप आगे मज़ीद अपनी बात को जारी रखेंगे। कॉन्सेप्ट यह है कि ये एक वर्क परमिट होता है ग्रीन कार्ड? जी, एक वर्क परमिट टाइप कह लें, वर्क परमिट ही है कि आपको प्रोफेशनल कैटेगरी में आपको एक वीज़ा मिलता है
जिसमें आपको कह लें कि कोई कदगन नहीं होती कि आपने कि आपको कोई यहाँ पे आके कि मसलन जिस तरह आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो आप काम के लिए अलाउ नहीं होते हैं। टाइम इसका टाइम पीरियड होता है? टाइम पीरियड किस हवाले से कि आप कितना काम कर सकते हैं? अलाउड होता है या नहीं? वर्क वीज़ा है आप लाइफ होता है? नहीं, देखें जब पहला आपको वीज़ा मिलता है तो वो आपको 3 या 4 साल का ठीक है वीज़ा मिलता था, तो आपने फिर उसको एक्सटेंड करना होता था। तो क्योंकि आपको ये लाइफ टाइम वीज़ा कोई भी मुल्क नहीं देता, क्योंकि अगर लाइफ टाइम वीज़ा दे दें तो फिर आपकी लाइबिलिटी बन जाते हैं आप उनके ऊपर। फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी इस सूरत में कि अगर आप काम नहीं करते, आपको काम नहीं मिलता, आप फिर भी उधर ही रह रहे हैं, उनका सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप हर वीज़े की एक लिमिट होती है, आपने उस लिमिट के बाद उसको रीन्यू करवाना होता है। तो इनकी भी कुछ लिमिट्स थी कि आपको पहले 3 साल के लिए वीज़ा मिला, फिर आपने उसमें शो करना था कि आप मिनिमम आपने इतने साल काम किए, इतने महीने काम किए, फिर उसके बाद आपने अपनी वो सारी इनकम शो करनी थी ताकि इनको लगे कि जिस पर्पस के लिए इन्होंने आपको बुलाया आप उसके ऊपर पूरा भी उतरें या नहीं उतरें। तो ये है, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर वही बात जिस तरह बाकी लोग बाकी वीज़ों के ऊपर होता है कि आपको PR मिलती है या पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर जब शुरू में आपको वर्क वीज़ा मिलता है तो उसके ऊपर वो एक 3 साल की शुरू में थी या 4 साल की, तो उसके बाद आप उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड करें, फिर 4 साल के लिए करें, तो एक पूरा एक इनका फ्रेमवर्क था जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अली जावेद साहब ज़ाहिर अपनी बात जारी रखेंगे, दरमियान में थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ कर दिया करूँगा। वैसे वो जिस तरह वजाहत कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, लेकिन ये कि थोड़े हो सकता है कुछ पॉइंट मेरे जहन में आते हैं तो वो भी बताऊँगा। अली जावेद साहब ने तफसील से बताया कि ज़ाहिर स्टार्ट में 3-4 साल का ऐसे 3-4 साल का 4 साल का तक पीरियड होता है, उसके लिए वो काम करते हैं और ज़रूरी बात है कि वो काम उन्होंने बेहतर तरीके से करने होते हैं। और इन्होंने हार्ड वर्किंग पीपल की जो मेरी वीडियोस हैं उनमें मैंने इनको शामिल इसी वजह से किया कि जैसे एक आम बंदा एक कदम उठाता है, यहाँ के हम जो रहने वाले पुराने, तो उसके मुकाबले में इन्हें 2 कदम उठाने पड़े, यानी इन्हें ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी और उसमें उन्होंने अपना मकाम पैदा किया। अब आगे अली जावेद साहब से पूछते हैं कि ये तो हो गया वीज़ा परमिट का आपने बता दिया, ग्रीन कार्ड की थ्योरी भी बता दी, अब आप जॉब का बताएंगे कि उसके लिए फिर आपको कैसे मुश्किलात हुई या आसानी से मिल गई? देखें जी, कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती और कामयाबी जो है ना वो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी मैं बताऊं जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि ग्रीन कार्ड के ऊपर आपको वीज़ा तो मिल गया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे जॉब भी वो जिसे कहते हैं ना कि लाजमी उसी फील्ड की मिलेगी, उसके लिए आपको डेफिनेटली एफर्ट करना पड़ती है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे क्योंकि ग्रीन कार्ड बहुत सारे लोगों ने लिया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे पढ़ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्वीडन में पढ़ के उन्होंने यहाँ पे लिया, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो मसलन पाकिस्तान से और फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी ओरिजिन के इंग्लैंड से आगे कहीं से आगे। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से चैलेंज उन लोगों के लिए होगा जो कह लें कि डायरेक्ट बाहर से आए हैं, जो जॉब करते हुए जॉब यहाँ पर ढूँढने आए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि जॉब का मिलना इतना आसान नहीं है, आप यहाँ पहले से कैसी मुश्किलात उसमें, क्योंकि सबसे पहले तो मुश्किल ये होती है ना कि जी आपके पास आपको लैंग्वेज एक सबसे बड़ा बैरियर है। अब और फिर उसके बाद यहाँ पे कि आपको सपोर्ट कितनी मिलती है। फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी यहाँ पे कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है कि कोई मैं किसी ने आके पहले ही सहारा दे दिया हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2011 पहली जून को जब यहाँ पे आए तो बल्कि जिन्होंने मुझे रिसीव करना था वो मेरे यूनिवर्सिटी के पहले मेरे से जूनियर थे, तो इत्तफाकन ये है कि मसलन मैं सोशली पाकिस्तान में भी काफ़ी एक्टिव रहता था अपनी यूनिवर्सिटी में, तो वो मुझे जानते थे, मैं भी शायद उन्हें बाई फेस देखा हो मगर मुझे इस तरह नहीं था, मैंने उनको बाई फेस भी नहीं देखा हुआ था। तो उन्होंने मुझे रिसीव करने आना था तो ना मेरे पास उनकी कोई पिक्चर थी और वो बस एयरपोर्ट पे भी ज़रा थोड़ा सा वो आगे पीछे हो गई या हमारी टाइम ना मैच कर सकी। तो कहने का मकसद यह कि आपको परेशानी जो है ना वो पहले दिन से ही शुरू हो जाती थी, तो काफ़ी एक मुश्किल प्रोसेस था। जॉब के हवाले से भी कह लें कि
क्योंकि जब हम यहाँ पे आए वही बात के आपको अगर एक अच्छी गाइड मिले तो आप जॉब भी अच्छी ढूंढ सकते हैं। अब जब हम यहाँ पे शुरू में आए तो उसमें सबसे बड़ा जो हमारे लिए जिन जिन लोगों के साथ मैंने रहना शुरू किया वो लोग डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट थे, कुछ यहाँ पे पहले से किसी और वीज़े पे रह रहे थे, तो उनकी जॉब ये थी, कोई होटल में काम कर रहा था, कोई रिक्लेम का काम कर रहा था, कोई कह लें कि सफाई का काम कर रहा था। तो आप उसी माहौल में जब मिलते हैं तो आपका नेटवर्क भी वैसे ही बनना शुरू होता है। तो अब जिनके पास में आके रहना शुरू किया तो उनको भी डेफिनेटली उन्होंने मेरे लिए अगर कोई एफर्ट की तो वो यही थी कि अगर कोई सफाई का काम कर रहा है तो शायद मुझे सफाई के लिए लगवा देगा। मगर वही बात कि पहले दिन आपको प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलती। मैंने भी पहले दिन जो है वो काफ़ी इसमें जद्दोजहद की कि कोई सर्वाइवल की जॉब भी मिले। इसलिए नहीं कि पैसों की ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आपने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है तो आपने कहीं ना कहीं से तो मीटर चलाना है अच्छी स्टार्ट करनी। तो कुछ दो चार पाँच दिन जो है वो इस सिलसिले में तलाश शुरू की, जॉब की शुरू की। मुझे याद है पहली दफ़ा नी हॉन में एक होटल में गया, वहाँ पे किसी ने कहा कि एक दिन के लिए जो कुछ लोगों ने उस टाइम नंबर दिए कि मसलन जिस तरह वो आपके के इनके पास चले जाएं तो ये आपको इनके पास जॉब के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मुझे एक फ़ोन आया कि आज एक बंदे की ज़रूरत है फलां जगह पे तो आप चले जाएं। तो फिर मैं अपने दोस्तों से उसका एड्रेस पूछ के कैसे जाना, उन्होंने मुझे सारा गाइड किया। तो वो सारा दिन मैंने काम किया, वो किचन का जी काम था पहले दिन का, तो किचन में कभी पाकिस्तान में काम नहीं किया, भारत जितना आता था उतना किया। तो मेरे ख्याल से 12-14 घंटे काम किए। उस दिन एक अजीब सी खुशी थी कि आज जो है वो तीसरे चौथे पांचवे दिन ही। अली जावेद साहब जैसे बता रहे हैं, हम जहाँ यहाँ पे कोपेनहेगन में जो पुराने रहने वाले हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, ये तो ग्रीन कार्ड होल्डर तो एक आप कह लें कि सिंबल बना बताया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ग्रीन कार्ड से जो लोग आते हैं वो कोई अलहदा कैटेगरी के लोग हैं। वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, और अगर यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको भी शुरू में मुश्किलात हुई हैं। हो सकता है कि वो ग्रीन कार्ड पे जो लोग आए हुए हैं या उसके थ्रू आए हैं उससे ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता हो। वो अब उनको जो भी कोपेनहेगन के यहाँ लोग देख रहे हैं उन्हें पता है कि उन्हें भी स्टार्ट में शुरू में बहुत मुश्किलात हुई थी, बहुत से काम करने पड़ते हैं उन्हें, और फिर उसके बाद जाके वो अपनी एक कोई लाइफ का पैटर्न बनाते हैं या अपनी ज़िंदगी है जो उसको किसी रुख पे मोड़ते हैं। अली जावेद साहब से आगे अगला मेरा यही सवाल होगा कि ज़ाहिर है जैसे उन्होंने बताया कि शुरू में ने कार्ड का जो कैटेगरी थी उसके मुताबिक उनके जहन में कॉन्सेप्ट, जो भी पाकिस्तान से आता है ज़ाहिर है उनके कॉन्सेप्ट कई होते हैं, उनके भी जहन में कॉन्सेप्ट होगा। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आके कोशिश की, स्ट्रगल की, तो तभी इन्होंने मकाम पाया। अली जावेद साहब आपने ग्रीन कार्ड का बता दिया, उसकी वजाहत भी कर दी कि परमिट होता है, ये पेपर होता है। जॉब का भी आपने बताया कि शुरू में ज़ाहिर है स्ट्रगल करनी पड़ती है, आसान नहीं होता किसी के लिए भी, चाहे जो भी हो, डजंट मैटर ये ग्रीन कार्ड है या जो भी है, हम सब यहाँ पे आने वाले जो हैं उनको शुरू में मुश्किल का सामना करना पड़ा। आपको जॉब तो आपने वजाहत कर दिया, इसका मज़ीद कुछ बताना चाहेंगे जॉब के बारे में? जी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि ये तो है ना कि एक आप सर्वाइवल के लिए आप जॉब ढूंढते हैं, तो ये एक थी कि सर्वाइवल की, फिर जब क्योंकि वो एक दिन की जॉब चली गई, फिर उसके बाद बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि इतनी जल्दी, मसलन मैंने शुरू में भी कुछ जब दोस्तों से बात होती थी या जिस तरह आप जैसे लोग हैं तो जब मुलाकात होती थी, तो जब जॉब ढूंढनी शुरू की तो मैं अपने उसी दोस्त के साथ हमने दर बदर जाना कभी इधर, तो मुझे पहले दिन जो है ना वो हम एक होटल में गए तो वहाँ पे पहले तो ज़बानी कलामी जाके कहना कोई जॉब है तो दे दें, तो मुझे जो सबसे पहला लेसन दिया था ना वो एक इंडियन खातून थी यहाँ पे, उनका होटल था सेंट्रल स्टेशन के पास। तो जब मैं उधर गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे पास जॉब नहीं है मगर आपके पास आपका सीवी है, तो मैं इनका सीवी का इस जॉब से क्या काम, कहती ये आप सही कह रहे हैं कि शायद इस जॉब के लिए आपके इतने प्रोफेशनल सीवी की ज़रूरत ना हो मगर जिसके ऊपर आपका नाम पता लिखा हो, क्योंकि अगर मेरे पास अभी जॉब नहीं है तो कल होगी तो मुझे पता तो चले कि एक फलां शख्स आया था तो उसको जॉब चाहिए थी
तो मैं उसको कैसे कॉन्टैक्ट करूँ? तो मुझे पहले उसने कहा कि आपको अपनी वो पूरी प्रोफेशनल हिस्ट्री नहीं बतानी, आप एक CV सिंपल सा बनाएं, मुझे भी देखे जाएँ और जहाँ पे भी। तो फिर इसी तरह हमने CV देने शुरू किए। तो फिर मैं अब जिस अपने दोस्त के साथ जाता था, हमने कुछ थोड़ा सा पहले तो नोरे ब्रो या इससे आगे का नहीं पता था, क्योंकि जिन दोस्तों के साथ जाते थे वही था कि नहीं नहीं था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आगे बढ़े। तो इसी तरह एक शाम को एक होटल में CV दिया, तो सुबह कॉल आ गई कि जी इधर जो है वो एक सफाई का काम है, वो आपने करना है, तो 3 घंटे का जो है वो होगी। तो बड़ा खुशी हुई उस टाइम कि अच्छा जॉब मिल गई है। इसी दिन अगले दिन गए, काम शुरू किया। बहर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हौसला खुलना शुरू हुआ जॉब के हवाले से। वहाँ के बल्कि जो ऑनर थी वो बड़ी अच्छी थी। तो एक वैसे ही मैं अगर टाइम हो तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप बताएं, बिल्कुल आप बात करें कि क्योंकि मेरा सफाई का काम था, फिर उसके बाद किचन में चले गए। तो एक उन्होंने नई जगह पे अपने होटल की ब्रांच ओपन की, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी ना थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है। तो वो हमें खुशी थी कि यार एक्स्ट्रा आवर मिल रहे हैं। तो वहाँ पे गए, तो उसका भाई मुझे, वो काफ़ी देर से ना वो अपने दरवाजे का वो कोई वो हैंडल साफ कर रहे थे, वो जो पीतल का था और जो जो गोल्डन टाइप का होता है, तो वो क्रीम लेके, तो वो मुझे कहता कि अली देखो यार ये क्या नाम है, ये मैं कर रहा हूँ साफ, ये इससे साफ होगा, तो मगर इसके लिए तुम्हें टेम्परामेंट रखना पड़ेगा, बड़ा आराम आराम से होगा, ये ना हो कि तुमको यार ये साफ ही नहीं हो रहा। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा अच्छा पीतल है, तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारे पास लेमन है? कहता वो क्या करना है, मैंने कहा लेमन, कहता हाँ है, मैंने कहा लेके आओ लेमन। तो वो लेमन लेके आया, मैंने कहा उसके ऊपर ना हाफ में कट करके लाना, तो वो लेके आया। तो मैंने लेमन को ना वो उसके दरवाजे के हैंडल के ऊपर ऐसे मारा, तो वो उसका वो सारा गंद उतर के वो चमकना शुरू हो गया। तो वो सारे हैरान परेशान, उसने सर पकड़ लिया अपना, क्योंकि उनको देसी टोटके नहीं पता थे। तो वो फिर अपनी उस सिस्टर को भी जो ऑनर थी वो बुला लाया, तो वो देखिए बड़ी, कहती ये तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा ये तो हमारे लिए वो ब, 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 मैं उसे क्या कहूँ कि टोटके हैं। तो फिर उसने मेरे से पूछा, कहती अली दिस इज़ नॉट योर प्लेस, कि जो तुम ये काम कर रहे हो ना ये तुम्हारी जगह ये नहीं है, तुम यू आर यू नो समथिंग लाइक स्पेशल। के फिर उसने मुझे कहा कि तुम मुझे अपना CV देना, मेरे एक दोस्त की, उसने मेरे से पूछा क्या एजुकेशन है तुम्हारी, फिर उसने मुझे कहा मुझे अपना CV देना, मेरे एक दोस्त की IT की कंपनी है, तो मैं अपना जो है ना वो आपका CV उसको दूंगी, तो हो सकता है कि ही कैन हेल्प यू, बट बिलीव मी कि ये जॉब और ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यू डिज़र्व मोर देन दिस। तो मुझे उस दिन बड़ा हौसला हुआ। फिर इसी तरह मेरी आदत ये होती थी कि जी अब प्रोफेशनल जॉब तो ढूंढनी है, आपने हमेशा एक टारगेट सेट किया होता है कि आपको अगर इतने टाइम में, तो मेरी चाहे मैं रात को 2 बजे आता था, 12 बजे आता था, जल्दी आता था, मैंने एक बनाया हुआ था कि मैंने रोज़ अपनी फील्ड की 5 से 6 जॉब्स अप्लाई करके सोनी है, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पर IT में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, सिर्फ ये है कि आपने इसको किस तरह वो करना है। तो मैं 5-6-7 जॉब जो है ना वो अप्लाई करके सोता था, मुझे नाकामी होती थी, ऐसा नहीं है कि आ जाता था। तो फिर हमारे मेरी यूनिवर्सिटी के टीचर थे यहाँ पे, वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा अपना CV भेजना, ज़रा CV दिखाना कि इसको देखने कैसे। फिर उन्होंने जब CV देखा, कहते कि CV तुम्हारा पाकिस्तान के हवाले से तो बड़ा अच्छा बना हुआ है, पाकिस्तान की जॉब मार्केट के लिहाज से, मगर यहाँ जो है ना इतना लंबा चौड़ा CV, जिस तरह हम वो गिठे ना अपना आपके CV बनाते हैं या लिखते हैं, वैसा नहीं यहाँ पे चलता, क्योंकि यहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयर होता है उसको आपका प्रोफाइल देखने के लिए हार्डली जो है वो आप कह लें कि 8 से 10 सेकंड उसने CV आपका देखना है। तो CV बेहतर करो, मैं तुम्हें करके नहीं दूंगा, बट ये है कि मैं तुम्हें आइडिया बताऊँगा मुझे। तो मैंने अपने CV को ना फिर उसको समराइज़ करना शुरू किया, प्रिसाइज करना शुरू किया। फिर 2-3-4 दफ़ा उन्होंने जब मुझे बताया, फिर उनका हाँ अब मुझे लगता है कि अब CV जो है ना वो बेहतर है। तो फिर जब मैंने, मेरी रूटीन वही थी कि मैंने 5-7 जॉब्स अप्लाई करके सोना है, चाहे मैं जब मर्जी आऊँ, जब वो मैंने किया तो फिर मुझे जो है ना वो कह लें कि विद इन ए मंथ मुझे 2 जॉब्स ऑफर हुई थी, जिसमें से फिर मैंने एक सेलेक्ट की। और मैं ये बताता चलूँ कि मैं जून में आया था और मुझे जून 2011 में आया था और मुझे दिसंबर के मिड में जो है ना वो मुझे मेरी प्रोफेशनल जॉब मिल गई थी। उसके पीछे यही था कि मैंने अपनी एक मेरा टारगेट था, एक मेरी मोटिवेशन थी, मैं जिस मकसद को लेके आया था कि मैंने जॉब फाइंड करनी है, क्योंकि मैं हमेशा ये लोगों को अपने जो यंगस्टर्स हैं जो बाद में हैं जो उस टाइम पे आए थे उनको यही कहता था कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
कि अगर आपको डेनमार्क में जॉब नहीं मिली और आपको लगता है कि आपने बाहर आना है, बाहर तो अब आप आ गए हैं तो आपके पास पूरी दुनिया खुली पड़ी है। अगर आपने अपने प्रोफेशनल करियर बनाना है और आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही, देन एक्सप्लोर द वर्ल्ड। बिल्कुल, उसमें इसी तरह अली जावेद साहब के वैसे तो प्रोसीजर ऐसा है कि यहाँ पे आपको भी एक पर्सन नंबर मिला होगा जब आए थे आप, डेफिनेटली। तो ये यहाँ पे सबके इंफॉर्मेशन के लिए, और यहाँ के लोगों को तो पता ही है, जिनको नहीं पता उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि सबको यहाँ पे डिजिटल एक नंबर मिल जाता है, उनका CPR नंबर होता है। तो यहाँ पे ये होता है कि वो CPR नंबर आप उसका ले लें, या उसका अगर कोई कार्ड मिलता है तो वो आप ले लें, जिन्होंने भी काम देना होता है तो वो उनसे ले लेते हैं, और उसमें ये होता है कि सिक्योर हो जाते हैं। अब ये CV का भी ज़ाहिर है, जैसे अली जावेद साहब बता रहे हैं, तो ये भी अब इन्होंने शायद नया सिलसिला शुरू होगा, ये शायद 2000 के बाद इन्होंने शुरू किया, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। उसके अलावा जैसे उन्होंने बताया, अली जावेद साहब का फोकस वही है कि हार्ड वर्किंग आप करेंगे तो आप डजंट मैटर पहले हैं या बाद में हैं, तो तभी आप कोई नतीजा कर सकेंगे और अपनी मंजिल को पा सकेंगे। थोड़े अरसों में इन्होंने काफ़ी कोशिश की है और अपना मकाम बनाया, जॉब का तो इन्होंने बता दिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अली जावेद साहब। जी जी जी, ज़रूर। अली जावेद साहब ये बताएं कि ज़ाहिर है पहले आपने कार्ड का भी बता दिया, परमिट का, ग्रीन कार्ड के मुताल, उसके बाद जॉब का भी आपने बता दिया, ज़ाहिर है आपने स्ट्रगल की तो उसके बाद उसका फल आपने पाया। लेकिन सोशल एक्टिविटी में मैं आपको फॉलो भी करता रहता हूँ और मुझे पता भी उसका इंफॉर्मेशन भी है, तो ये बताएं कि सोशल एक्टिविटीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं, जबकि आप रेडियो में भी, रेडियो आपकी आवाज़ में भी काम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। जी जी बिल्कुल। उसके अलावा और कहीं भी आप कहीं सोशल मीडिया में? जी, सोशल मीडिया पे तो आप कह लें कि मैं, क्योंकि पाकिस्तान से, जिस तरह मैंने बताया कि मैं काफ़ी सोशल था, बल्कि यहाँ पे रेडियो आपकी आवाज़ में, अगर कह लें कि जब मैंने वो, जब मुझे मेरा वीज़ा लगा तो फिर डेफिनेटली आप थोड़ा सा देखते हैं कि यार अच्छा अब आपने जाना है, तो मैंने तो डेनमार्क का नक्शा भी पहली दफ़ा तभी देखा था कि अच्छा आप जाना तो ये देखें तो सही है कहाँ पर डेनमार्क। मैंने वो शुरू में कहा ना कि शायद बहुत सारे लोगों को लगे कि ये मजाक है, मगर आप यकीन मानिए कि जब वो आ गया ना, तो फिर मैंने कुछ एक दो हफ्ते बाद देखा, मैंने कहा अच्छा इसको मैं नक्शे में देखूं तो सही कि डेनमार्क है कहाँ पे, ये पता है कि यूरोप में है मगर कहाँ पे करके आता है, अब जहाँ पे जाना है मगर कहाँ पे। तो फिर जॉब्स का भी कुछ वहाँ से अप्लाई करना शुरू किया, तो यहाँ पे एक इसी तरह फिर रेडियो आपकी आवाज़ भी गूगल से सर्च हुआ, तो फिर मैंने यहाँ पे रब्ता किया, फिर राजा गफूर साहब का मुझे उन्होंने ईमेल की कि ये पेड जॉब तो नहीं है मगर आप जो है वो, आपने इसको वॉलंटरीली करना है तो आप मोर देन वेलकम। तो जब मैं आया तो फिर पहले दिन से जो है वो तकरीबन उनके साथ मेरी कह लें कि अच्छी हेलो है, तो फिर आज तक वो सिलसिला बना हुआ है। जाहिर बात है, तो सोशल एक्टिविटी ये, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी इस तरह कह लें कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ये जिस तरह कह लें कि शोबिज़ या इस तरह की, उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थे, फिर मैनेज करना चीज़ों को, प्रोग्राम्स होस्ट करना, प्रोग्राम अरेंज करना, तो फिर वो जो है ना वो शो वो यहाँ पे भी था, फिर रेडियो आपकी आवाज़ की वजह से भी जो है, क्योंकि जब मैंने रेडियो आपकी आवाज़ शुरू किया तो जब मुझे जॉब मिली बेसिकली, तो फिर मेरे जहन में ये था कि यार जहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को फेसबुक के ऊपर भी उनकी देखता हूँ कि जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर मैं ये कहता कि यार मार्केट में जॉब्स इतनी ज़्यादा हैं, तो अगर कुछ लोगों को जॉब नहीं मिली, फॉर एग्जांपल आईटी के लोगों को शायद जॉब ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है जितना कह लें कि डॉक्टर्स के लिए है, या जितना फॉर एग्जांपल जिनकी पब्लिक कॉरेस्पॉन्डेंस ज़्यादा है या पब्लिक उनकी कम्युनिकेशन ज़्यादा है उसके लिए आपको लैंग्वेज, तो आईटी के लोग, उन्होंने ज़्यादातर बैकएंड पे काम करना होता है, तो उनके लिए लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर नहीं है कि उन्हें जॉब ना मिले। मैं कहता हूँ लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती, तो फिर मैंने बेसिकली एक ग्रीन कार्ड के हवाले से ही मैंने रेडियो के ऊपर ना प्रोग्राम करना शुरू किया कि लोगों को बताया जाए, गाइड किया जाए, अगर किसी को जॉब मिली हुई है, जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं पहले कुछ लोगों को, अच्छा अगर कुछ लोगों को जॉब मिली, ताकि लोगों के सामने कुछ
रोल मॉडल्स को लाया जाए, कुछ मोटिवेशन लोगों में पैदा की जाए कि यार अगर आपको मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती, हम दोनों को मिल सकती है, तीसरा कह के यार अगर इन दोनों को मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती। तो बेसिक मकसद रेडियो पे बोलने का, आने का ये था कि यार लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो टाइम दिया जाए। बस फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोग्राम को भी करते करते फिर आप कह लें कि करंट अफेयर्स के ऊपर तो शौक वैसे ही है, तो करंट अफेयर के ऊपर बोलना शुरू किया। तो उस तरह पे ये चीज़ों में, अब उसके बाद यहाँ पे कोई अगर एनजीओ का किसी का फंक्शन हो गया, या आप कह लें कि किसी भी सोसाइटी में इस तरह लोगों के साथ उठने बैठने की वजह से फिर काफ़ी सारे लोग जो हमारे मोहतरम हैं, बुज़ुर्ग हैं, दोस्त यार हैं, वो बुलाते हैं फिर जाते हैं। तो इस तरह ये फिर लोगों से सोशल एक रिलेशन बना। और जिस तरह अभी हम बात कर भी गए थे कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सोशल हों या ना हों आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे आपकी फैमिलीज रहती हैं, यहाँ पे एक छोटी सी कम्युनिटी है, छोटा सा मुल्क है, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी फैमिली यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनका मेरा तो उनको मशवरा यही है कि सोशल होना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सोशल नहीं होंगे ना तो आप तन्हाई का शिकार हो जाएंगे, तन्हाई में घुटन, और फिर आपको खामखा की डिप्रेशन। तो आप कोशिश किया करें कि अपने टाइम को मैनेज करें। अब मैं अपने डेफिनेटली मेरी भी उतनी काम है जितना सारे लोगों का काम है, अगर यहाँ पे आप 7.5 घंटे काम करते हैं, मैं भी 7.5 घंटे ही काम करता हूँ। सो आपने मैनेज करना होता है, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में कि आपने अपनी जॉब को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी फैमिली लाइफ को आपने किस तरह मैनेज करना है। तो अगर तो आप मैनेज कर लें कि तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है, आप चीज़ों को बड़ा अच्छा लेके चल सकते हैं। और मेरे ख्याल से डेनमार्क जैसे मुल्क में जहाँ पे आपको कोई ऐसी वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप 7.5 घंटे के बाद आपको आपका बॉस कह के नहीं बैठ जाओ अभी तो काम शुरू हुआ या अभी तो दिन शुरू हुआ, आप फ्री टू गो हैं। और आपके सबसे बड़ी मोस्टली लोगों का यहाँ पे जिस तरह आईटी के हम लोग हैं और लोग हैं, आपको अपने काम शुरू करने की भी कदर नहीं होती कि आपने सुबह 8 बजे ही ऑफिस लगना है तो आपने पहुँचना, आप पहले भी जा सकते हैं, जल्दी भी जा सकते हैं, जल्दी आ भी सकते हैं। तो आप मैनेज कर सकते हैं, आप करना चाहें। मेरा मशवरा उन लोगों को यही है कि थोड़ा सा अगर आप सोशल होंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका नेटवर्क बनेगा, आपको खुशी गमी में आपको लोग आपका सहारा बनेंगे, आप मिलेंगे, फिर आपको ये कम्युनिटी आपकी अपनी फैमिली लगेगी। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं लोगों से मिलता हूँ, ये लोग बुलाते हैं तो हम जाते हैं, तो एक अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं, लोग जो हैं वो आपको बहुत सारे आपके रस्ते खोलते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है माहौल के हवाले से, मुल्क के हवाले से, आपके कह लें कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी सेंटर्स बने हुए हैं, तो आपको जाना चाहिए। जैसे अली जावेद साहब ने बताया कि सोशल लाइफ जो है यहाँ पे रेडियो आपकी आवाज़ इसी तरह, और रेडियो में और कई टीवी लिंक है और कुछ और रेडियो स्टेशन भी हैं और लोग भी काफ़ी काम कर रहे हैं। आप ये भी आप कह सकते हैं कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये भी एक सोशल लाइफ है, और ये सारी चीज़ें जो है इसका हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता है, या जितने भी जो काम कर रहे हैं जैसे अली जावेद साहब ने बताया कि ये फ्री विली डैनिश में कहते हैं और उर्दू में आप उसको ये कह सकते हैं कि जज्बा खैर से गाली, या खुद वो काम करते हैं और उसका कोई उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती, वो अपनी हॉबी के तौर में भी कई लोग करते हैं। और ये सोशल एक्टिविटीज़ जो होती हैं इनमें ये करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। रेडियो का ज़ाहिर लाइसेंस तो मिल जाता है, ये इस बात में कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट दे देती है, आपको स्टूडियो भी दे देती है, आपको कमरे भी दे देती है, आपको इंटरनेट भी दे देती है, सहूलतें सारी दे देती है, फ़ोन भी दे देती है, लेकिन ये है कि उसको आपने चलाना भी तो है ना, और टाइम भी तो देना है आपने। तो असल बात तो वहाँ आती है ना, फिर हार्डवर्क उसको करना पड़ता है। अब जैसे अली जावेद साहब भी, उनका जो है ना मैंने रेडियो आपकी आवाज़ से ही उनका मैंने प्रोग्राम सुना था, और उस दिन से मैं इनको फिर फॉलो करता रहा हूँ और आज इन तक पहुँच ही गया, इनसे बात भी हो रही है। तो इनका फिर प्रोग्राम इसी तरह होता था जैसे अली जावेद साहब ने बताया कि ये यहाँ पे जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स थे, कुछ लोगों से मैं मिला भी था, तो वो पहले वो बात करने में हिचकिचाते थे मुझसे, तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, आप भी हमारे भाई हैं, आप
बाद में आए हैं या हम पहले आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ग्रीन कार्ड होल्डर्स में भी अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग हैं, और इसी तरह हमारे जो पुराने रहने वाले हैं उनमें अच्छे बुरे या हर किस्म के लोग हैं। तो उससे ये कोई नतीजा खस नहीं किया जा सकता कि सिर्फ जो बाद में आए हैं वो कोई कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं या पहले कोई आए हैं वो पता नहीं किसी और कैटेगरी से, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने जाहिर है प्रोग्राम फिर उसमें रेडियो में इनका अपना अंदाज़ है, इन्होंने सुलझे हुए अंदाज से इनका उनका अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, सुलझे हुए अंदाज में बात करते हैं ये और बात को रबड़ की तरह खींच नहीं लेते, जो टू द पॉइंट बात होती है उसको करते हैं। और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए इन्होंने काफ़ी प्रोग्राम किया और इंफॉर्मेटिव किए और उनसे उन्हें जाहिर बात है फ़ायदा हुआ होगा। और जो टू द पॉइंट और जो उस पीरियड में जो वाक़ात होते थे या बातें होती थी या प्रोग्राम बनते थे या लाज बनते थे या जो प्रोसीजर्स होते थे वो ये बताते थे, और जाहिर बात है उससे काफ़ी लोगों को उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अली जावेद साहब से मैं ये पूछूंगा कि हार्ड काम है, जाहिर है पहले आपने जॉब वॉब ढूंढी वो बहुत हार्ड काम है, फिर आप मैनेज किस तरह कर लेते हैं यानी घरेलू ज़िंदगी को भी और फिर ये सोशल एक्टिविटी तो और भी हार्ड काम। अच्छा, मैं इस बात पे आने से पहले, इसका जवाब देने से पहले मैं एक वो ज़रा कहना चाहूँगा ताकि हमारे जो देखने वाले लोग हैं वो इसको दिल पे ना ले लें, क्योंकि अभी आपने कहा कि ग्रीन कार्ड या जो पुराने लोग हैं बुरे भी लोग हैं अच्छे भी लोग हैं, मेरे ख्याल से बुरे कोई भी नहीं है, हमारा अपना ज़रा देखने का आपकी बात काट लो, मैंने सिर्फ प्रोग्राम में कुछ सुने हैं ना उसमें, अब मैं जाहिर उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। नहीं चलें, क्योंकि देखें हर हर किसी का देखने का, चीज़ों को एनालाइज करने का, परखने का अपना अंदाज होता है, तो हमारी अगर उनके साथ वो चीज़ें नहीं बन सकती तो फिर शायद बुरे नहीं, हमें कुछ नहीं, मैं आपकी बात फिर काटूंगा, थोड़ा सा वो बेहतर नहीं है, आप फिर बात अपनी कर लेना, क्योंकि ऐसा है कि कुछ वो लोगों का था कि उन शिकायतन या उन्होंने कुछ ऐसी बात की या हो सकता है उनके दिल में आया था, तो उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस या जज्बात जो हैं उसमें इजहार ये किया था कि पहले रहने वाले लोग जो हैं वो हमसे इस तरह का सलूक करते हैं, उसमें हो सकता है कुछ बंद लोग ऐसे हों, तो उससे यह है कि सारे टोटली को हम नहीं कहते। देखें असल बात ये है कि दोनों साइड्स में हम टोटली किसी को नहीं कहते, असल बात ये है अली जावेद साहब से मैं मिला हूँ, सही तरह वो मिले हैं, वो मैं भी इसी तरह समझ रहा हूँ कि मैं इनके साथ आया हूँ। नहीं आप देखें, मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूँ, देखें हर दौर की अपनी मुश्किलात होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, और हर चीज़ में जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती हैं। जब क्योंकि अब मुझे डेनमार्क की हिस्ट्री का थोड़ा सा इसलिए पता है कि जब आपने वो एग्ज़ाम देने हो पासपोर्ट के लिए, तो आपको जब से डेनमार्क की हिस्ट्री बनी है उससे पहले से जो है आपको पढ़ना पड़ता है, और अभी तक तो जब यहाँ पे सबसे पहले जो पाकिस्तानी जो आए थे ना वो 1967 में आए थे, ठीक है, तो हम मैं ये सोच के बता सकता हूँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो कितनी मुश्किल में होंगे। मसलन उनके बाद जो लोग आए उनके लिए बड़ी आसानी थी कि उनको हलाल 70 में ज़्यादा लोग आए नहीं अबाउट मैं पहले जो है वो जो कह रहे ना लेबर वर्क की बात कर रहा हूँ, तो उनके बाद जो ऐसा ऐसा लोग आना शुरू, देखें पहले लोगों ने आपके लिए बुनियाद रख दी, जो शुरू में लोग आए आपको यहाँ पे हलाल खाना मिल जाता है, मस्जिदें हैं, स्कूल हैं, सारा कुछ है, ठीक है, हर हर चीज़ के चैलेंज थे। अगर हम ये सोचें कि यार जो पहला पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ पे जो भी आए थे उनको कितनी मुश्किल होती होगी कि यार अगर उन्होंने हलाल खाना ढूंढना है तो क्या वेजिटेबल्स के अलावा हर चीज़ जो है वो कहने के हराम ही होगी, तो सारा ऐसा ऐसा उन्होंने एक फाउंडेशन रखनी शुरू की हमारे लिए हलाल चीज़ें, ठीक है, अब तो सर्टिफाइड चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो हर हर दौर में हर तरह की परेशानी होती है। जब हम लोग आए या हमसे जो बात में आए, मसलन जब मैंने ग्रीन कार्ड के हवाले से प्रोग्राम करना शुरू किया तो मैंने लोगों को गाइड किया, बल्कि मैंने मेरा मानना यह है कि अब जब किसी को मशवरा दें तो सिंसियर दें, वरना ना दें, किसी को जो है ना वो गलत ट्रैक पे ना डालें। मैंने एक दो लोगों को बल्कि उनका केस भी शुरू किया और उनको यहाँ पे बुलाया भी, और वो उन सारी परेशानियों से
मैंने बचने दिया जो मैं खुद जिसका मैं शिकार रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पुराने लोगों की मुश्किल थी, अब जो मेरे बाद जिनको मैं जानता था मैंने बुलाया, मैंने उनको वो परेशानियां नहीं होने दी जो पहले दिन मुझे थी, कोशिश की। ठीक है, तो ये चीजें सारी आपको वो करनी पड़ती हैं। अब सोशल लाइफ किस तरह, जो आपका सवाल था कि हम किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह करते हैं। अब देखें, जब मैं यहाँ पे वही बात के जब मैं आया अकेला था, एक डेढ़ महीने बाद मिसेज आ गई, फिर इस चक्कर में घर कैसे लेने हैं, घर मिला, जब आहिस्ता आहिस्ता आप वो कहते हैं ना कि कश्ती जब समंदर में थोड़ी सी हिचकिचाती है, होते खाती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप संभल जाते हैं फिर आप चीज़ों को थोड़ा तरतीब देना शुरू करते हैं। अब आपने किनारे की फिर आप ये देखते हैं कि अब आपने किनारे की तरफ जाना है या आपने अपनी मंजिल की तरफ जाना है। तो जब कश्ती थोड़ी सी संभली तो अब मंजिल की तरफ ही डेफिनेटली जाना था, जिसमें अब आपकी जॉब भी है, क्योंकि शायद उन लोगों के लिए कंपैरेटिवली उतनी परेशानियां ना हो जितनी एक शादीशुदा बंदे के लिए होती हैं, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को भी देखना होता है, फिर शायद ज़्यादा परेशानियां उसको भी हो यार जो एक अपनी प्रोफेशनल जॉब छोड़ के आया है। ठीक है, और फिर उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, और फिर उसकी वो कह लें कि जब मैं आया था मेरी नई नई शादी हुई थी, मैंने वो भी जेन में था कि यार वो मेरी मिसेज भी है, मैंने उसका भी देखना है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज की है। तो फिर एक डेढ़ महीने बाद अपनी मिसेज को भी बुला लिया, और फिर घर कैसे, शायद मैं उन चंद खुश नसीबों में से होऊंगा कि जिसको घर भी 3 दिन के अंदर मिल गया था, पहले शुरू में नहीं मिला। जब मैंने प्रोफेशनल जॉब ली, जब जॉब का वो मीटर चलना स्टार्ट हुआ प्रोफेशनल जॉब में, फिर वही कि जब आप सोशल लाइफ बनाते हैं तो आपको चैनल पता चलते हैं। मुझे मेरी एक इंडियन कोलीग ने कहा कि इस तरह तुम कमून में जाओ, तो हमें भी मिला, तो वो कमून में, क्योंकि जब आपका देखते हैं कि आप जिस कमून में काम कर रहे हैं वहाँ पे अच्छा टैक्स भी आपकी सैलरी में से अच्छा आ रहा है, तो वो फिर आपको प्रेफर करते हैं। तो मैं भी गया, तो मैंने वो दिया, तो उन्होंने पहले तो वही जो कि नहीं अभी बड़ा रश है ये वो, बहरहाल इन शॉर्ट मुझे 3 दिनों में उन्होंने मुझे एक अपार्टमेंट दे दिया था। तो फिर इसी तरह जब वो कश्ती संभलनी शुरू हुई, फिर मैंने वो रेडियो तो एक मेरे पास था ही, लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ, तो फिर चीज़ों को डेफिनेटली मैनेज करना शुरू किया, क्योंकि शुरू में सिर्फ मिसेज थी, बच्चे भी नहीं थे, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता था करने का, लोगों में उठना बैठना घुलना मिलना शुरू किया, काफ़ी सारे लोगों को शायद मैं मेरी तबीयत अच्छी लगती हो या अच्छा लगता हूँ, लोग बुलाते हैं खलूस से, तो आपको बेहतर है, तो मैं फिर कभी किसी को किसी के लिए बुरा नहीं चाह, किसी को ये ऐसा नहीं किया। तो फिर डेफिनेटली जब आप लोगों को इज्जत देते हैं तो आपको इज्जत मिलती है, तो टाइम को मैनेज करना शुरू किया, किसी को इनकार नहीं किया जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ या जहाँ पे मैं किसी के काम आ सकता हूँ, तो हमेशा किया। बहुत सारे लोग जानते होंगे, हाँ बहुत सारे लोग, जिस तरह अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों से इख्तलाफात भी होते हैं, होंगे डेफिनेटली लोग, बहुत सारे लोग होंगे जिनको मैं शायद अच्छा नहीं लगता हूँ, या बहुत सारे लोग होंगे जिनको मैं वाकई अच्छा लगता हूँ, तो लेकिन आपने तो एक लाइन रखी है ना, तो ये लाइन पे आप जाएंगे उस स्पेक्ट्रम पे, ये चीज़ें हैं बस। फिर ऐसा ऐसा कुछ कह लें कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो नहीं की, मगर जो मौसम जिस तरह यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ पॉलिटिकल फंक्शन होते हैं, सारों में जाना शुरू किया। तो आप कहते हैं कि आप अपनी वर्थ खुद बनाते हैं, तो मैंने इसी तरह बस ऐसा ऐसा काम करना शुरू किया। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे दो बच्चे भी हैं, मैं उनको भी प्रॉपर टाइम देता हूँ, फैमिली को भी टाइम देता हूँ, मैं ये नहीं ये कह के जो है ना वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में गोली नहीं करा देता कि यार नहीं मैं हफ्ता इतवार है मैंने फैमिली को टाइम देना है, या शाम होगी या मैंने फैमिली को टाइम देना है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इवेंट आता है, कोई फंक्शन आता है, तो वो हर रोज़ तो नहीं आता। ठीक है, अगर आपकी कोई गैदरिंग होती है तो हर रोज़ तो नहीं होती। अगर आप यानी कि ये भी ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह अपनी टांग फंसा लें, आप हर जगह ही आप कहें कि जी मुझे बुलाया जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप जाएं, लोगों में जाएं, उतना टाइम दें जितना आप दे सकते हैं। ठीक है, लोगों को अपनी 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 जो है वो कह लें कि अपने वजूद से लोगों को आपका फ़ायदा मिल सकता है, तो आप लोगों को फ़ायदा दें। आप ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते होंगे जॉब लेने में प्रोफेशनल, मगर वो अपने कह लेना कि अपने वो मदार से बाहर नहीं आते। वो नहीं वो, मैं तो, इधर थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा आपसे। मैं बहुत से लोगों को ऐसे को जानता हूँ, असल में ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराते या शो अप नहीं करते, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ
उन्होंने काफ़ी काम किया। मैं देखिए अच्छा, थोड़ा सा एक और बता रहा हूँ, हमारे ये जो आप जैसे अली जावेद साहब हैं, इसी तरह मैंने नोट किया कासिम नज़ीर साहब जो हैं, वो उन्होंने भी थोड़े अरसे में काफ़ी काम किए उन्होंने। उसके अलावा और भी दो तीन हैं, इकरम साहब होते थे पहले, डॉक्टर इकराम सरवर साहब, उन्होंने भी काफ़ी काम किए हैं, और तनवीर हुसैन जो हैं वो भी आईटी के हवाले से भी हैं। अच्छा मैं सॉरी काम भी मैं आपकी बात वहीं रखूँगा, आप अपनी बात जारी रखें। नहीं मैं तनवीर साहब के हवाले से, अच्छा तनवीर साहब का थोड़ा सा बता दूँ, मैं भी बता दूँ उनका, क्योंकि तनवीर साहब को मैं भी जानता हूँ। तनवीर साहब का उन्होंने काउंसलिंग भी यहाँ पे की थी, और बल्दिया में जो होता है कमून उसमें भी काम किया था। अब जाहिर है वो उनकी जॉब है और कई उनकी मसरूफियात है, उसकी वजह से उन्होंने छोड़ा। आप उनका गौर बताएंगे? मैं तनवीर साहब शायद जो है वो उनकी अपनी एक आईटी की कंपनी भी है यहाँ पे, अंसर साहब जो है उनका भी है ना, हाँ उनका भी तो तनवीर साहब ने भी काम किया। हाँ जी, तनवीर साहब जो है जो तनवीर साहब हैं वो क्योंकि किसी रेफरेंस से मेरे भाई के दोस्त के साथ उनकी हेलो आई थी, जब मुझे ग्रीन कार्ड मिला तो उन्होंने मेरा जिक्र तनवीर साहब से किया कि इस तरह मेरे दोस्त के भाई हैं तो उनका ग्रीन कार्ड लगा है, तो आप उनको थोड़ी सी ना वो काउंसलिंग कर दें या आप उनको थोड़ा सा गाइड कर दें। तो वो उन दिनों पाकिस्तान आए हुए थे, तो पाकिस्तान में भी उनकी कंपनी का ऑफिस था, तो मैं उनको मिलने गया, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे थोड़ा सा अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन भी दिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि डेनमार्क कितना मुश्किल है और वहाँ पे लैंग्वेज के हवाले से, फिर के अगर आप जाएंगे तो आपका ऑन द एवरेज पर मंथ कितना खर्चा होगा। तो सिर्फ वो क्योंकि आपने तनवीर साहब का नाम लिया, तो फर्स्ट इंट्रैक्शन मेरा अगर किसी डैनिश पाकिस्तानी से हुआ था तो वो तनवीर साहब थे, पाकिस्तान में आए थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा इस हवाले से गाइड किया था। मैंने यहाँ पे आके उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, दो के मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। मगर ये है कि मैं जो वो आपकी बात कर रहा था ना कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बाहर आते, मैं इसलिए क्योंकि जब हमारे यहाँ पे जो ज़ाहिर बात ज़ुल्फ़िकार गर्देज़ी, ज़ुल्फ़िकार गर्देज़ी साहब जो एम्बेसडर साहब थे, उन्होंने इस सिलसिले में बड़ा काम किया, क्योंकि मेरा अपना मानना ये था कि यहाँ पे देखें कि आपकी जो है ना वो एक लिंक नहीं है लोगों का लोगों के साथ, ख़ास तौर पर मसलन जिस तरह आप अगर किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो टैक्सी चलाता हो, आपको पता होगा पूरे टैक्सी नेटवर्क का आपस में एक लिंक है, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो रोज़ जब निकलते हैं मार्केट में सलाम किया, सलाम दुआ से चाय पे चाय से, ठीक है, यानी कि आप अपना एक सर्कल बनाते हैं। तो जो ख़ास तौर पर जो नए लोग आए हैं ना उनको उस तरह यह सर्कल नहीं था, तो मुझे ये लगता था कि यार एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर आप सारे लोगों की, ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, खा वो पाकिस्तान से आए हैं, स्वीडन से आए हैं, यहाँ से हैं, जो जिनको जॉब नहीं मिली, उनका एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे उनका डाटा हो, अगर कोई जॉब हो तो वो डायरेक्ट। मैं अभी इस बात पर बताता हूँ कि मैं बात क्यों कह रहा हूँ। नहीं आप ये सही कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। हमने ज़ुल्फ़िकार गर्देज़ी साहब से भी बात की, उन्होंने भी इसको शुरू किया, उन्होंने बल्कि कुछ मीटिंग्स भी की जो यंग प्रोफेशनल फोरम के हवाले से उन्होंने बात भी की और इसके ऊपर कुछ मीटिंग्स भी हुई। अब देखिए मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम कंपेयर करें ना पाकिस्तानियों को इंडियंस के साथ, तो इंडियंस इस मामले में जो है ना वो इस तरह होते हैं, नहीं है? हमारे पाकिस्तानी भी हैं। नहीं मैं मेरी लेकिन हम उनको नहीं मैं देखें थोड़ी सी बात सख्त है, हो सकता है लोगों को पसंद ना आए मगर तल्ख हकीकत है, ठीक है, कहीं पे भी आप चले जाएं, असल में अली जावेद साहब इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। नहीं मैं वही उसी की तरफ आता हूँ, देखिए इसमें हमारे लोगों का इतना कसूर नहीं। नहीं मैं आपको बताता हूँ, देखें जो इंडियंस हैं ना वो अपने जो लोग हैं ना, चाहे उनकी एज के हैं, उनसे बूढ़े हैं या उनसे यंग हैं, वो उनको जो है ना वो उनका एक नेटवर्क हमेशा बना रहता है, वो उनको खजल खराब नहीं होने देते। मैं बात अब इसलिए कह रहा हूँ, जब मैंने अपनी प्रोफेशनल जॉब शुरू की, जिस कंपनी में शुरू की, जब मैंने शुरू की तो हम वहाँ पे तकरीबन 8 या 9 पाकिस्तानी थे और इंडियंस कोई इक्का दुक्का होंगे, ठीक है जी। मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं मैंने वो जॉब छोड़ी है, वो कंपनी छोड़ी है। जब मैंने वो कंपनी छोड़ी है तो वहाँ पर मोर देन 50% इंडियंस थे और सिर्फ हम 3 पाकिस्तानी थे, जिसमें से मैंने भी रिज़ाइन कर दी और 2 रह गए।
ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तानी नहीं है या पढ़े लिखे पाकिस्तानी नहीं है, यहाँ पे मोर देन 35,000 पाकिस्तानी हैं, ठीक है। इंडियंस अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं वो आना शुरू हुआ, वो किस तरह, क्योंकि उनका एक नेटवर्क होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि उनका क्यों है हमारा क्यों नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारे में थोड़ा सा सम टाइम होता है, हर किसी में नहीं होगा, मगर सम टाइम होता है कि यार हम कहते हैं जो जॉब मेरे पास है किसी और को ना मिल जाए, या ठीक है ना, इस तरह की कुछ लोगों में सोच होती है। नहीं, असल में मैं आपकी बात काटूंगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। 90 के आर पार ये इंडियंस नहीं होते थे यहाँ पे, यक्का दुक्का होते थे किसी एक, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई इलाका ले लें उसमें एक तो होते थे, अगर पाकिस्तानी आपके जो हैं कोई अराउंड 500 हैं 600 हैं तो उसमें एक इंडियन होता था। असल में ये डिटेल्स में इनका ये है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, जाहिर मैं पॉलिटिक्स नहीं कभी बात भी नहीं करता, मैं आपको थोड़ी सी उसकी... पाकिस्तानी हमारे जो है उस हक में बिल्कुल नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी हैं, मैं आपको इसकी बहुत अच्छी वजाहत कर देता हूँ। और ये इनका ये है कि इनके पीछे पूरा नेटवर्क चल रहा है, जैसे आपने कहा है यहाँ पे, मैं इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि हम उनको प्रमोट नहीं कर रहे इस टाइम, मैं सर ये बता देता हूँ जो हकीकत है। अभी हमने बात की क्योंकि वो लोग क्यों नहीं इतना सामने आते, बहुत सारे यहाँ पे पाकिस्तानी हैं जो फेसबुक में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनीज में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अहदों पे हैं, इसमें इस बात वो होगा लोगों का है मगर महदूद पैमाने पर होगा एक बहुत। अब आप देख लें कि यहाँ पे इवन हमारे पाकिस्तानियों के ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है ना। ये मैं बात भी कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो देखेंगे लोग तो ये उनसे ये नहीं कहेंगे कि आप इसको लाइक करें या इसको शेयर करें, नहीं, बेशक आप लाइक ना करें हमें इसकी कोई परवाह नहीं, अगर आप समझते हैं कि ज़ाहिर है बेहतर है तो फिर आपकी इख्तियार में कि आप लाइक करें या डिसलाइक करें, लेकिन ये है कि इसके कमेंट आप जब करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमने और कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरह बतानी है या किस अंदाज में बतानी है या कोई बात हमने जो है किस तरह की है या कैसे हमें करनी चाहिए। कमेंट ज़ाहिर है ज़रूर लिखा करें और हमें कमेंट से यह पता चलेगा कि हम ज़ाहिर है और कैसी बात करें और अपने ज़ाहिर नई वीडियोज़ जो हैं उसको कैसे बेहतर बनाएं। अली जावेद साहब ने भी ज़ाहिर है वो चूँकि इस फील्ड में है आई टी की, उन्होंने भी काफ़ी मुझे चीज़ें बताई और मैं कोई इसका वो मास्टर माइंड नहीं हूँ या मुझे वो इसका पूरा इतना वो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं हॉबी के तौर पे ये वीडियोस बनाता हूँ तो जाहिर बात है इनसे भी मैं मिला हूँ तो इनसे भी मुझे काफ़ी सीखी बातें नहीं होती। मैं बल्कि उन देखने वालों को, उन दोस्तों को, उन बुज़ुर्गों को जिनको इस हवाले से शौक भी है जो और ख़ास तौर पर नौजवानों को कि आप के पास, क्योंकि अब तो हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, आप बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखें बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ के चैनल भी हैं, फेसबुक है, काफ़ी लिंक्स हैं उनके पास, फेसबुक है, यूट्यूब है, ठीक है, टिकटॉक है, आप देखें अगर आपके पास कोई टैलेंट है, ज़रूरी नहीं कि आपने एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है और उसमें ही कमाते कमाते कब्र तक चले जाना है, आप जो है वो कब्र तक जाना सब नहीं, यानी कि वो एक मुहावरातन बात की है कि आपने सिर्फ अपने आप को वो एक जिसे कहते हैं ना कि घड़े के अंदर ही बंद कर लेना है, तो नहीं, आप इसको अब मैं टाइम निकालता हूँ, अभी मेरा अपना यूट्यूब का चैनल भी है, ठीक है, मैं अपने चैनल की प्रमोशन नहीं कर रहा मगर मेरे यूट्यूब का चैनल भी है, जाहिर है कई लोग हैं हमारे वो नेटवर्क में काम कर रहे हैं टिकटॉक के, यानी कि सिर्फ हम ये वीडियो बनाई है तो हमने कोई कमाल कर दिया, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से गिने चुने जाहिर एक दो का बनाया मैंने वीडियोस, आगे प्रोग्राम है, कोशिश मेरी ये है कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं वो इसमें कोई वो नहीं है, कोई मैंने ख़ास तौर पे वो प्रोग्राम या ऐसा नहीं रखा हुआ कि इस तरह बनाए ऐसे बनाए, तो लिमिटेड टाइम हमारा भी है कि सब काम करते हैं, अली जावेद साहब जाहिर है अपना उन्होंने टाइम निकाला है और जाहिर है मुझे अब आज वक्त दिया उन्होंने, तो इसी तरह मैं भी अपना टाइम निकाल के इस तरह वीडियोस बनाता हूँ और हमारे जाहिर वो भी बच्चों वाले हैं, मैं भी बच्चों वाला, हमारे काफ़ी एक्टिविटीज़ और भी होती हैं, तो हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं जब जाहिर हमसे वो कॉपरेशन करेंगे तो हम उनकी भी वीडियोस बना सकेंगे।
और अली जावेद साहब, आप और कुछ कहेंगे, कुछ थोड़ी सी और बातें करने को? जी मैं सिर्फ बल्कि आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने टाइम निकाला। और सोशल एक्टिविटी मेरा हमेशा से यही फोकस रहा, और मैं हमेशा अपने जो मेरे सर्कल में लोग हैं या जो मुझे देखते हैं रेडियो पे सुनते हैं, मेरा उनको यही मशवरा होता है कि देखें, शुरू में भी बात की, हर जगह टांग ना अड़ाएं। वो जैसे कहते हैं पंजाबी में, थोड़ी खाएं सुथरी खाएं, आप अपने आप को सोशली एक्टिव रखें और अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज अपनी लाइफ और सेहत को कंप्रोमाइज ना करें। सबसे पहली बात देखें, अगर आप सिर्फ कमाना शुरू कर देंगे तब भी आप जो है ना वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। किसी दिन आपने कम कमा लिया या किसी दिन आप ज़्यादा कमा लिया तो हिसाब किताब में पड़ जाएंगे। अगर आप कमाई को छोड़ के आप दूसरे कामों में पड़ जाएंगे फिर भी आप परेशान रहेंगे। ज़िंदगी को बैलेंस रखें और अपनी लाइफ को देखें। ज़िंदगी गुजर हर किसी की जाती है, जीता कोई तवाज़ुन ज़ाहिर उसमें रखना है, जीता कोई कोई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जीना भी जीना ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी को भरपूर इन्जॉय करना होता है। आप जो है वो ज़रूरी नहीं कि एंजॉय किसी और चीज़ के इनाम हो, आप अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने तरीके से भी टाइम दें। अभी आप मुझे कह रहे बता रहे थे कि यहाँ पे सेहत के हवाले से मसलन कितना है, तो मुझे एक्सरसाइज करने का शुरू से ही लड़कपन से ही शौक है, तो अब तो आपका अपना फ़ायदा उसको। तो मैं देखें जी, जब यहाँ पे बातें सुलझी हुई हैं, अब जाहिर है वो मेरा दिल तो नहीं करता, वो जिस तरह बातें करते हैं, वो जिस तरह उनका अंदाज़ है, तो उस लिहाज से ये प्रोग्राम 3-4 घंटे का होना चाहिए। लेकिन 3-4 घंटे का अगर हम वीडियो बनाएंगे तो लोग उसको देख देख के फिर कोई और नहीं है। देखें, तिनके को तिनके का सहारा होता है, ठीक है, डूबती कश्ती को एक छोटा सा सहारा भी मिल जाए ना तो वो कह लें किनारे तक पहुँच जाए। ये बात ऐड कर दूंगा, जैसे नमाज पढ़ना इबादत है, बहुत अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए हर मुसलमान को, उस पर फर्ज है, रोज़ा रखना चाहिए और इबादत जो है करनी चाहिए। लेकिन ये हकूक इबाद या ये जो सोशल एक्टिविटीज़ की अच्छे काम जो होते हैं ये भी इबादत में शामिल होते हैं। आलिम नहीं हूँ मैं, अपनी राय दे रहा हूँ, हो सकता है गलत भी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप भी जावेद साहब एग्री करते हैं इस चीज़ को। नहीं जी, ये तो बिल्कुल हमारे मज़हब में है, हमारे मज़हब में है, शामिल किया जाए, हमारे मज़हब में है। हमारा जो खालिक हकीकी अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने हकूक तो माफ़ कर दूंगा, हकूक इबाद की कोई माफ़ सोशल एक्टिविटी यानी ये भी इबादत में शुमार है। जी बिल्कुल, देखें अच्छे काम जितने अच्छे काम देखें अच्छे ही सिला मिलते। अगर मेरा पड़ोसी भूखा सो गया इस वजह से कि उसके पास खाना नहीं था और मैंने पेट भर के खाना खा लिया, तो उसका भूखा सोना मेरे लिए पकड़ का सबब बन जाएगा, बेशक, ठीक है, क्योंकि वो मेरा पड़ोसी था। आपके रिश्तेदारों से पहले आपके पड़ोसी के हकूक हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने हकूक माफ़ कर देगा, जितने मर्जी गुनाह कर लो, चाहे वो आसमान की बुलंदी तक पहुँच जाए, आप एक दफ़ा माफ़ी मांगेंगे मिल जाएगी। मगर अगर मैंने मोहम्मद अय्यूब का हक मार लिया, उसके साथ नाइंसाफ़ी की है, जब तक मोहम्मद अय्यूब माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो आप लोगों के साथ वो कहते हैं ना कि अक्सर बातें थोड़ी फ़नी होती हैं मगर बड़ी गहरी होती हैं, कि काबे के चक्कर लगाने से ना लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं हो सकते। तो इसीलिए बस समझ की बात है, ये ज़ाहिर है हमारी समझ में। और आप बात क्यों करेंगे? मेरे ख्याल से काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, मैं बल्कि आपका तहे दिल से ममनून हूँ कि आपने टाइम दिया, आपने इस काबिल समझा। मेरी नज़र में आपका काम है और तभी मैं जाहिर